वेलकम टू माय चैनल किचन विद अदीला। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खीर मिक्स की रेसिपी। जो इंस्टेंट खीर मिक्स है वो घर पे कैसे बनाई जाती है आज हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खीर मिक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है, ये फुल फैट मिल्क है, 1 लीटर लिया है मैंने। उसके अलावा कुछ नट्स ले लिए हैं और खीर मिक्स का ये मैंने पैकेट ले लिया है जो मार्केट से आपको आसानी से मिल जाता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन लिया मैंने, उसे मीडियम फ्लेम पे रखा, इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। तो मेरे पास ये जो है वो पैक्ड मिल्क था, इसको बॉयल करने की जरूरत नहीं होती इसलिए मैं थोड़ा सा हीट अप भी करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क हो तो आप उसको पहले बॉयल कर लें, चाहे तो उसमें एक कार्डमम भी ऐड कर लें। तो थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा मैं ये खीर मिक्स का जो पैकेट है उसे खोल के तो ऐड कर दूंगी। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि ये मिक्स होता रहे। साथ साथ मिक्स करने का मकसद ये होता है कि वो नीचे बैठ ना जाए और जल ना जाए, और चूंकि मिल्क पे हमारा बॉयल हो गया हुआ होता है उसके बाद वो नीचे ना लगना शुरू हो जाए। अब ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाती जाऊंगी यहाँ तक कि ये जो है हमारी खीर ये गाढ़ी ना हो जाए। जब तक हम इसे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं तो मीडियम फ्लेम पे। ये मैं आपको बहुत सिंपल जो खीर मिक्स है उसकी उसका मेथड बता रही हूँ। ये वाली खीर मिक्स हम लौकी के साथ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। लौकी को ग्रेट करके और ये वाली खीर मिक्स यूज़ करके तो वो भी बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। चम्मच चलाते जाएं जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तकरीबन 5 to 6 की सर्विंग्स बन जाती है इजीली। आप चाहें तो सेपरेट बाउल में डाल लें बाद में या एक बाउल में डाल लें। किनारे साथ साथ आपने फाइल करते जाना है, तो साफ करते जाना है ताकि जो साइडों पे लग जाता है चिकन मटेरियल वो पीस पर रिजॉल्व होता जाए। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है काफी हद तक, तो हमें कोई भी एडिड शुगर इसमें डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये जो हमारे पास इंस्टेंट खीर मिक्स का पैकेट होता है इसमें एनफ शुगर होती है कि ये आपकी खीर को काफी स्वीटन कर देगी। रेडी हो चुकी है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे हम। उसके बाद फिर हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये ठंडी हो चुकी है, अब सर्विंग बाउल लूंगी मैं और इसमें हम अपनी खीर मिक्स ऐड करेंगे। ये मैंने डाल दी, अब इसे गार्निश कर लेंगे। मैं आलमंड्स यूज कर रही हूँ, कुछ आलमंड्स को मैंने दरमियान से जस्ट 2 टुकड़ों में किया है और उसे गार्निश कर दिया। तो दुआओं में याद रखिएगा, चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ। कि
कीप वॉचिंग किचन विद अदीला।